हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइबर स्टिचिंग एंड डिज़ाइनिंग। मैंने शोल्डर 6 इंचेस लिया है और गले की चौड़ाई 2.5 इंचेस पे मार्क करके उसकी लेंथ 6 इंचेस पे मार्क कर लूँगी। अब इस पर हम एक बॉक्स ड्रॉ कर लेंगे और इस बॉक्स पे अब हम गले का डिज़ाइन ड्रॉ कर लेंगे। आप वीडियो में अच्छे से देख सकते हो कि मैंने गले के डिज़ाइन को किस तरीके से ड्रॉ किया है। अब हम इसके लिए बॉक्रम कट कर लेंगे, तो बॉक्रम इसके ऊपर रख कर और हम इसे ड्रॉ कर लेंगे। अब 1 इंच की दूरी पे हम 2-3 जगह पे मार्क कर लेंगे और नीचे की साइड से हम इसे सीधा मार्क कर लेंगे। तो आप वीडियो पे देख सकते हो मैंने गले का डिज़ाइन ड्रॉ कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब नीचे वाले जो हमारे एक्स्ट्रा बकरम है उस पर भी हम 1 इंच का मार्जिन रखकर कटिंग कर लेंगे। अब इसे हम एक फैब्रिक पे स्टिच कर लेंगे। एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ते हुए हम फैब्रिक को कट कर लेंगे। इस फैब्रिक पे हम छोटे छोटे कट लगा लेते हैं और इसे ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए हम इस पे स्टिच कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल साइबर स्टिचिंग एंड डिज़ाइनिंग को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जल्दी से जाकर रेड बटन को क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि इसी तरह के अच्छे अच्छे वीडियोस आप सब तक सबसे पहले पहुँचें। तो ये देखिए फ्रेंड्स, पूरे बकरम पे स्टिचिंग हो चुकी है। अब गले पे हम एक स्टिच लगा लेंगे। अब हमने जो एक और बकरम कट किया था उसे हम ब्लू कलर के फैब्रिक पे स्टिच कर लेंगे। आप इसे आयरन की मदद से पेस्ट भी कर सकते हो फ्रेंड, वो काफ़ी बेहतरीन होगी। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं गले की साइड से। अब हम एक पट्टी लेंगे जिसे हम किनारे के साइड से फोल्ड करते हुए स्टिच कर लेंगे। इसे हम गले वाले साइड पे ऊपर से रखकर स्टिच लगा लेंगे। अब देख सकते हो वीडियो में मैंने इस पट्टी को किस तरीके से गले पे स्टिच किया है, तो आप बिल्कुल उसी तरीके से गले पे पट्टी को स्टिच कर लें। अब इस पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए पाइपिंग लगा लेंगे और ऊपर से हम स्टिच कर लेंगे। तो
आप यह पाइपिंग बनाते हुए ध्यान रखिए कि जो हमारी पाइपिंग है वो एकदम गोल बननी चाहिए, इससे ही डिज़ाइन में खूबसूरती आएगी। हमारे पूरे गले पे पाइपिंग बन चुकी है फ्रेंड। अब हम एक ब्लू कलर की पट्टी लेंगे जिसे हम 0.25 इंच पे स्टिच कर लेंगे। अब इसे हम पलट लेते हैं, इससे हम डोरी बना लेंगे। ये हमारी डोरी तैयार है। अब इसे हम छोटे छोटे टुकड़े पे कट कर लेंगे। इसे हम जो हमने ब्लू वाले कपड़े पे बोकरम लगाया था उस पे हम बाहर की साइड पे रखते हुए एक हाफ हाफ इंच की दूरी पर डोरी को लगा लेंगे। तो आप वीडियो पे देख सकते हो कि मैंने किस तरीके से डोरी को उस पे लगाया है। हम डोरी को फोल्ड करेंगे और फोल्ड करके उस पे स्टिच कर लेंगे इक्वल पे लगे। आप देख सकते हो फ्रेंड, वीडियो में मैंने दिखाया कि हमें किस तरीके से लगाना है। अब इसी तरीके से हम दूसरे साइड से भी इस डोरी को लगा लेंगे। इसी तरह के ब्यूटीफुल कुर्तीज नेक डिज़ाइन देखने के लिए मेरे चैनल साहिबा स्टिचिंग एंड डिज़ाइनिंग को सब्सक्राइब करें। जो हमारा डिज़ाइन है वो बनकर रेडी है। अब इसे हम अपने कुर्ती वाले कपड़े पे स्टिच कर लेंगे। तो हम कुर्ती को इसके ऊपर से रखेंगे और इसे पिनअप कर लेते हैं ताकि ये इधर उधर ना फैले, और कुर्ती वाले कपड़े पे हम इसे स्टिच कर लेंगे। तो अब देख सकते हैं फ्रेंड, हमने इसे स्टिच कर लिया है और ये डिज़ाइन काफ़ी खूबसूरत लग रही है। बनाने में बिल्कुल ही आसान और देखने में बहुत ही खूबसूरत। मैंने व्हाइट कलर का फैब्रिक लिया है। अब इससे हम एक डोरी बना लेंगे, तो थोड़ा सा मार्जिन छोड़कर हम इस पर स्टिच कर लेंगे और इसे हम पलट लेंगे। यही रही फ्रेंड्स हमारी डोरी तैयार है। अब इस पे हम दो बेल्स बना लेंगे। तो आप वीडियो पे देख सकते हो कि मैंने बेल्स कैसे बनाए हैं। आप बिल्कुल इसी तरीके से बेल्स बना लें, ये डिज़ाइन को और भी खूबसूरत और भी ब्यूटीफुल बनाएगी। अब हम डोरी को इस तरीके से फोल्ड करेंगे ताकि वो डिज़ाइन पे और भी खूबसूरत लगे। आप अपने दूसरे हिसाब से भी इसे फोल्ड कर सकते हो। तो आप देख सकते हो हमारा डिज़ाइन कितना खूबसूरत लग रहा है। अब इसे हम हाथ वाली सुई की मदद से टाक लगा लेंगे। अब हमने जो डिज़ाइन बनाया था उस पर हम व्हाइट मोती का यूज़ करेंगे जो कि डिज़ाइन को और भी खूबसूरत और भी
स्टाइलिश बना देगी। तो आप देख सकते हो मैंने वीडियो पे दिखाई कि हमें मोती का यूज़ कहाँ पे करना है। हमने जो डोरी डाली है उसके ठीक बीच पे हम मोती को लगाएंगे। ये रही फ्रेंड्स, मैंने सारे मोती इसको लगा लिया है जो कि डिज़ाइन को और भी खूबसूरत और भी ब्यूटीफुल बना रही है। आप देख सकते हैं हमारा ब्यूटीफुल कुर्तीज़ नेक डिज़ाइन तैयार है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।